Good morning to one and all. I am Prem Kumar Patli. Dear students, today I am here along with the first part of 11th chapter that is Rebels and the Raj. Dear students, this is a very important chapter for you and through this chapter you will get the information regarding the revolt of 1857. In today's session, we will get an information regarding the various causes of revolt. Okay, will ऐसे विभिन्न कारण जिसके जो 1857 के रिवोल्ट के लिए उत्तरदायी थे वी विल सी द पैटर्न ऑफ द रिबेलियन एंड इन दैट पार्ट यू विल गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाउ द म्यूटनिज बिगेन सैनिकों का विद्रोह किस तरह से शुरू हुआ था उसको जानेंगे एंड आफ्टर दैट द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसमें हम बात करेंगे कि सैनिकों का विद्रोह में जो सिमिलरिटीज़ थी जो उनकी समानताएं थीं वो किस पर आधारित थी उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से इस्टेब्लिश किया था डियर स्टूडेंट्स 1857 का जो रिवोल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवोल्ट जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्किंग स्टाइल को इंडियन कॉन्टिनेंट में अपनी पॉलिटिक्स को चेंज करके रख दिया ने लोगों के मन में नेशनल की फीलिंग को बड़ी तेजी से लेकर आया लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से फैलने लगी और निश्चित तौर पर ये उस वर्ग का उदय था जो भारत को एक इंडिपेंडेंट मोड में लेकर के जाने के लिए तैयार था बच्चों इस रिवोल्ट को अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने विचारों से देखा अपनी समझ से देखा उनमें वी डी सावरकर थे ही डिस्क्राइब दैट रिवोल्ट एज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बेंजामिन डिजराइल हुज़ द अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स एंड ही वॉज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी ही डिस्क्राइब दिस वॉर दिस रिवोल्ट एज अ नेशनल राइजिंग राष्ट्र उदय के तौर पर इन्होंने देखा अशोक मेहता कहते हैं कि इट वॉज़ अ ग्रेट रिबेलियन एक महान विद्रोह था आर सी मजदूमदार कहता है कि नाइदर फर्स्ट वार नॉर नेशनल वार ऑफ इंडिपेंडेंस ना तो ये पहला युद्ध था और न ही राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए किया गया युद्ध वेयर जॉन लॉरेंस डिस्क्राइब इट एज अपॉय ओनली वो कहता है कि ये केवल जॉन लॉरेंस कहते हैं कि ये केवल सैनिकों का विद्रोह मात्र है वे एम एन रॉय आर पी दात ए आर देसाई जे एल नेहरू दे डिस्क्राइब्ड इट एज अ फ्यूडल अपराइजिंग डियर स्टूडेंट्स नो डाउट कि एक रिवोल्ट के पीछे ढेर सारे कॉजेज हो सकते हैं सो वी विल डिस्कस हियर अबाउट द पॉलिटिकल कॉज social causes, religious causes, economic causes, administrative causes, and military causes. there are so many causes behind the revolt of 1857. while we are going to talk about the political causes, you will see about the subsidiary alliance system. it was a system which imposed on the different area of the british india. सिस्टम था जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा डिवाइस किया गया था इन 1798 एंड ऑल दोज हु एंटर्ड इनटू सच एन अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू एक्सेप्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ नवाब से भी रिलेटेड काफ़ी सारे इसमें प्रोविजंस कर रखे थे तो दैट वाज़ द कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ एटीन ओके नॉट दिस वॉज ओनली वन इट वॉज़ आल्सो फॉलोड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैपसेस बच्चों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैपसेस था ये इसके पीछे भी एक कारण था एंड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बच्चों जो सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस है ना जिसके मतलब बच्चे नहीं हैं उन राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश हुकूमत में शामिल कर लेती थी ये डॉक्टरिन ऑफ लैप्स ठीक है लॉर्ड अलहौजी और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन में हम अवध के बारे में भी जानकारी लेंगे तो ये पॉलिटिकल कॉजेज़ ने क्या किया कि लोगों के मन में गुस्सा भर दिया और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में या ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में रिवोल्ट की सिचुएशन को क्रिएट करने में, में इसका पॉलिटिकल कॉज का भी बहुत बड़ा रोल था वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज द रेसियल एरोगेंस बच्चों वो अपनी नस्ल के आधार पर उनमें घमंड था कि वो सुपीरियर रैसियल कैटेगरी को बिलोंग करने वाले लोग हैं ऐसा ब्रिटिशर्स अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या अंग्रेज लोग समझते थे सोशल रिफॉर्म्स लेजिस्लेश जो सोशल प्रैक्टिस चल रही थी उसमें रिफॉर्म्स को लेकर के कई सारे विधेयक पास किए गए एबोल्यूशन ऑफ सती इन एटीन ट्वेंटी नाइन दैट वॉज द कॉज ऑफ इन्फेंटिसाइड एटीन हंड्रेड टू स्लैटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव सो दिज वर सोशल कॉजेज एज वेल एज द विडो री मेरिज एक्ट विच वॉज इनेक्टेड इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इट वॉज अनादर सोशल कॉज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे टेलीग्राफ एट्सट्रा सस्पीजियन ऑफ इंडियंस, बच्चों रेलवे और टेलीग्राफ जैसे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के बाद लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ने लगी थी लोग अपने आइडियोलॉजी को अपने विचारों को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर चुके थे कहीं ना कहीं इसने भी इसने भी नेशनल फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में कहीं ना कहीं मदद की थी एज़ वेल एज रिलीजियस कन्वर्जन दैट वॉज द वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज बिहाइड ऑफ दी रिवोल्ट ओके ये भी एक उनमें से एक महत्वपूर्ण है कि लोगों का रिलीजस कन्वर्जन वो क्रिश्चनिटी में सब लोगों को कन्वर्ट कराने का उनका प्लान था मिशनरीज को उन्होंने अपने साथ लेकर आया था तो ये सोशल और रिलीजियस कॉजेज थे एन अदर कॉज वॉज रिलेटेड टू इकोनॉमिक कॉज इकोनॉमिक एक्सप्लाइटेशन

एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांडेड बच्चों जो लैंड रेवेन्यू था वो इतना ज़्यादा था कि एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने की बजाय वो डेक्लाइनिंग की ओर चला गया एंड आफ्टर दैट रियून ऑफ ओल्ड ज़मींदार हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर था उस चैप्टर में जो कि कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड उसमें हम देखा था कि किस तरह से ज़मींदार्स की स्थिति खराब होती चली गई थी तो ये इकोनॉमिक कॉजेज भी कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे आउटर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज करप्शन ऑफ रूलर्स एंड ऑफिस दैट वॉज द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर घूसखोरी ये भी सबसे बड़ा रिश्वत ये उससे भी बड़ा कॉज था एंड नो इंडियंस अपॉइंटेड एंड इन हायर पोस्ट आप जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हुआ करती थी हायर पोस्ट हुआ करती थी उसमें इंडियंस को अपॉइंट नहीं किया जाता था वो केवल छोटी पोस्ट तक ही सीमित किया जाता था इसके बाद में अगर हम बात करें मिलिट्री कॉजेस की तो डिसटिस्फैक्शन ऑफ दिस सिपाही, जो सिपाही थे वो असंतुष्ट थे क्योंकि उनके साथ ऐसे कुछ व्यवहार किए जा रहे थे जो उनके लिए नॉर्मल नहीं थे एंड नॉमिनल सैलरी उनसे इतना ज़्यादा वर्क करवाया जाता था उनसे सेवाएं ली जाती थी लेकिन उसके बदले में बहुत ही कम उनकी तनख्वाह मिलती थी बैड फूड उन्हें बेहतर खाने की व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी नो हायर पोस्ट नो प्रमोशन सैनिक है सैनिक सिपाही है उसी पोस्ट में अपॉइंट हुआ उसी से वो रिटायर हो जाएगा है ना कंपल्सरी फॉरन सर्विसेस ये फ़ारेन में सर्विसेस प्रोवाइड करना ये कंपलसरी कर दिया गया था बैनिंग ऑफ रिलीजियस सिम्बॉल्स है ना जो रिलीजियस सिंबॉस थे उस पर बैन कर दिया गया ड्रेस कोड को ला लागू कर दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन बैरक्स जहाँ बैरक में सिपाही रुखा करते थे वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को अपॉइंट कर दिया गया था अब हम बात करें इमीडिएट कॉजेस की बच्चों क्या चीज़ थी जिसने इस विद्रोह को इस सैनिक विद्रोह को एटीन <coughs> हंड्रेड के रिवोल्ट को एक अग्नि एक ज्वाला प्रदान की दैट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड rifle and cartridge in 1857 there were 36000 english and 257 indian soldiers in the british indian army and in 1857 a rumor spread that the cartridge of new enfield rifle was dressed with the fat of cows and pigs just objectionable for the both hindus and muslims the story of cartridge spread like wildfire through Out the country, this was the main reason behind it. And the sepoy refused to use, and when compelled to use, they shoot the European officers. जैसे ही पता चला कि सिपाही जो हिंदू और मुसलमान थे उनकी हैंडफिल्ड राइफ़ल में जो cartridge यूज़ की जा रही है उस पर गाय या सूअर की चर्बी वाले कारतूस का उपयोग किया जाना है तो ये सूचना ये समाचार लोगों में जंगल में आग की तरफ फैल गया एंड सिपोई रिफ्यूज टू यूज और सिपाहियों ने इसको यूज़ करने से मना कर दिया एंड वैन कम्पेयर टू यूज़ दे शूट द यूरोपियन ऑफिसर्स और जब इससे ज़बरदस्ती इस पर काम करवाने की कोशिश की गई तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया इन एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मार्च ट्वेंटी नाइन मंगल पांडे ऑफ द थर्टी फोर्थ इन्फेंट्री ऑफ बारैकपुर शूट हि सुपीरियर एंड ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड किल्ड हिम बच्चों मंगल पांडे जिन्होंने इस <coughs> Uh, 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत की उन्होंने अपने इन्फेंट्री जो कि थर्टी फोर्थ इन्फेंट्री में थे बैरकपुर में वहाँ पर अपने अधिकारी को उन्होंने मार दिया इसके बाद ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़कर ख़त्म कर दिया उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी द रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन टेंथ में एट मैरिट एंड लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बच्चों इस रिवोल्ट के स्टार्टिंग 10 मई अठारह से होती है जो मेरठ में थे वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और इसके बाद ये इस देश के अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है आपको आपके स्क्रीन पर ये मंगल पांडे का इमेज दिखाई दे रहा होगा तो बेटा ये काज़ थे 1857 के ठीक ये इसमें वही काज़ को मैं दोबारा आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ ये मेन इवेंट्स थे जो हमने कार्टिज की बात की यूज़ ऑफ गज कार्टिज द मेन इवेंट्स बारकपुर ट्वेंटी नाइन मार्च एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन मेरठ नाइन्थ में एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली बाई एलेवनथ में एटीन हंड्रेड फिफ्टी सेवन फिर ये जो रिवॉल्ट थे बेटा लखनऊ कानपुर बनारस अहमदाबाद अलाहाबाद अहमदाबाद नहीं बिहार बरेली शाहजहानपुर और अलग अलग हिस्सों में फिर ये रिवोल्ट तेजी से फैलता चला गया नाउ डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर अभी मैंने आपको इसके काजेस बतलाए जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना समझा होगा बच्चों 10 मई अठारह की दोपहर को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से होती है जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल जाती है शहर और आसपास के देहात के जो लोग थे वो सिपाहियों के साथ जुड़ जाते हैं और सबसे पहले सिपाहियों ने क्या काम किया कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों के शस्त्रगार थे ठीक है उसको बेल ऑफ आर्म्स उसको अपने कब्जे में ले लिया लेट इन आफ्टरनून ऑन टेंथ में

वेद द आर्म्स एंड एम्यशन वर्कैप्ट एंड प्रोसीडेड टू अटेक वाइट पीपल और उन्होंने गोरे लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया बेटा बेल ऑफ आम्स का मतलब होता है वेद द आर्म्स एंड एम्यशन वर्कैप्ट जहाँ पर ये हथियार रखे जाते थे उसको बेल ऑफ आम्स कहा गया एंड टू रैनसेक एंड बर्न देयर वंगलोव एंड प्रॉपर्टी उसके बाद उन्होंने तो उनके बंगलों को उनके साजो सामान को तहस नहस करना शुरू किया उनकी बिल्डिंग्स को उनकी प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस को जेल कोर्ट पोस्ट ऑफिस ट्रेजरी इन सब को उन्होंने डिस्ट्रॉय करना प्लंडर करना जलाना उनको लूटना शुरू कर दिया द टेलीग्राफ लाइन्स ऑफ टू दहली वस्कट ये शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी उसको काट दिया गया ठीक एज़ डार्कनेस

उस समय रमज़ान का महीना था इट वॉज द मंथ ऑफ रमजान द मुस्लिम होली मंथ ऑफ प्रेयर एंड फास्टिंग द ओल्ड मुगल एम्प्रर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर एंड मील बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगेन बच्चों रमजान का महीना था मुग़ल सम्राट बा, बहादुर शाह नमाज पढ़कर और शहरी जो रोजे के दिनों में सूरज होने से पहले भोजन करते हैं उसको शहरी कहते हैं वो खाकर उठे ही थे एंड ही हर्ड द कॉमोशन ऑफ एट द गेट्स उन्होंने गेट पर अपने फाटक पर हला हो हल्ला सुनाई दिया द सिपोई हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड ही जो बाहर खड़े सिपाही थे उन्होंने क्या जानकारी दी उन्होंने कहा वी हैव कम फ्रॉम मैरट आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर बिकॉज दे आस एस टू बाइक बुलेट्स दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउस एंड पिग्स विद अवर टीथ उन्होंने कहा कि हमने उन सभी अंग्रेज पुरुषों को मार मार दिया है क्योंकि वे हमें हमें गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे हुए कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे दिस हैज़ करप्टेड द फैथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ऐसा उन्होंने बहादुर शाह जफर जी से कहा एंड अनादर ग्रुप ऑफ सीपॉय ऑल्सो एंटर्ड अलाइक ठीक अनादर ग्रुप ऑफ सीपॉय ऑल्सो एंटर्ड दहली एंड द ऑर्डनरी पीपल ऑफ़ द सिटी ज्वाइन दैम अब जो एक और सिपाहियों का जो जत्था था वो दिल्ली में दाखिल हो गया और शहर के आम लोग भी अब उनके साथ जुड़ने लगे थे ठीक है यूरोपियंस वर किल्ड इन लार्ज नंबर बहुत बड़ी संख्या में जो है अंग्रेज मारे जाने लगे थे अब दिल्ली के अमीर लोगों पर जो हमले हुए वो उनमें भी अब आम आदमियों का सहयोग मिलना शुरू हो चुका था लूटपाट होने लगी थी अटेक्ड एंड लूटेड ओके द रीच ऑफ दैली वर अटेक्ड एंड लूटेड एंड इट वज क्लियर दैट दैली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल और इससे साबित होने लगा था कि अब जो दिल्ली है वो ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर जा चुकी है एंड सम सिपोए रोड इनटू टू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलोबरेट कोर्ट एटिक्वेट एक्सेप्टेड ऑफ दैम एक्सपेक्टेड ऑफ दैम बच्चों कुछ सिपाही सिपाहियों ने दरबार में लाल किले में दाखिल होने के लिए जो दरबार का शिष्टाचार होता है टिकेट होता है उसका पालन किए बगैर बेधड़क किले में घुस गए <coughs> ठीक है एंड सम सिपाही रोड इन टू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलोबरेट कोर्ट एटिक्वेट एक्सपेक्टेड टॉप दैम एंड दे डिमांडेड दैट द एम्प्रर गिव देम हिज ब्लेसिंग्स और उन्होंने सिपाहियों से घिरे उन्होंने क्या मांग किया बादशाह से कि वे उन्हें अपना आशीर्वाद दे दें तो सिपाहियों से घिरे जो बहादुर शाह थे उनके पास अब उनकी बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता एक लेजिटिमेसी गेन कर ली थी क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था तो इस तरह से बेटा 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही लेकिन जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है हालात तेजी से बदलने लगे इवेंट्स मूव स्विफ्टली एंड कंटोनमेंट आफ्टर कंटोनमेंट इन द गैंगटिक वैली एंड द वेस्ट ऑफ़ दिल्ली रोज इन म्यूटनी गंगा की घाटी की छावनियों में और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर अब जो थे वो तेजी से फैलना शुरू हो चुके थे तो आपने देखा कि किस तरह से ये रिवोल्ट स्टार्टिंग टेंथ में एटीन फिफ्टी सेवन को मेरिट से होती है अब हम जानेंगे बेटा द पैटर्न ऑफ द रिबेलियन हम देखेंगे कि हाउ द म्यूटनिज बिगेन किस तरह से यहाँ पर सैन्य विद्रोह शुरू हुए थे द दिपोज बिगेन देयर एक्शन विद अ सिग्नल इन मैनी प्लेसेज इट वॉज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बिगुल बच्चों सिपाहियों ने किसी न किसी एक विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया द फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स पहले उन्होंने क्या किया जहाँ शस्त्रगार थे जहाँ पर सब एमुनेशन रखे हुए थे आर्म्स रखे हुए थे उसको उन्होंने कैप्चर किया एंड प्लंडर द ट्रेजरी और सरकारी खजाने को उन्होंने लूट लिया दे देन अटेक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उसके बाद उन्होंने जो सरकारी खजाने ख़जा, को लूटने के बाद सरकारी बिल्डिंग पर सरकारी भवनों पर अटैक किया जैसे कि जेल ट्रेजरी टेलीग्राफ ऑफिस रिकॉर्ड रूम बंगलो है ना एंड बर्निंग ऑल रिकॉर्ड्स और सभी जो रिकॉर्ड थे उसको जलाते चले गए एवरी एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन वी केम टारगेट सभी जो लोग थे उन्होंने वो सभी चीज़ें जो गोरे लोगों से संबंधित थी उनको और हर शख्स हमले का उन निशाना बनते चले गए जो भी चीज़ उनसे जुड़ी हुई थी एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड विद वाइट मैन बिकेम अ टारगेट एंड प्रोकमिनेशन इन हिंदू उर्दू एंड पर्सियन वर पुट अप इन सिटीज कॉलिंग अपॉन द पॉपुलेशन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू यूनाइट एंड राइज एग्जामिनेट द फिरंगीज बच्चों जो हिंदू हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने के लिए और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी थी वैन ऑर्डनरी पीपल बी गन ज्वाइन द रिपोल्ट जब विद्रोह में आम लोग भी शामिल होने लगे द टारगेट ऑफ अटैक वाइडेंट तो फिर यह हमलों का जो दायरा था वो बढ़ने लगा और जो मुख्य शहर थे बेटा जैसे कि लखनऊ कानपुर बरेली ये बड़े शहरों में तो जो जमींदार थे मनी लैंडर्स थे अमीर लोग थे ये भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार होने लगे क्यों क्योंकि किसान लोगों को न केवल इन्होंने परेशान किया था रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के बल्कि वे मानते थे कि ये ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू हैं प्रिजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एज अ ऑपरेजर बट आल्सो एज एलाइज ऑफ द ब्रिटिश एंड मोस्ट प्लेसेस देर हाउसेज वर लूटेड कई जगहों पर उनके घरों को लूट लिया गया एंड डिस्ट्रॉयड द म्यूटनी इन द रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन बच्चों सिपाहियों की कतारों में, कतारों में इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया और शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना की जाने लगी थी बच्चों अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आ, किस तरह से इन विद्रोह के लिए जो तैयारियां की गई होगी या अपने उस विद्रोह के लिए जो कम्युनिकेशन किया गया होगा रिवोल्ट के लिए वो किस तरह का रहा होगा द रीज़न फॉर द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता होना है ना और आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय इन दोनों में निहित जरूर रही होगी और इसमें कोई शक नहीं है कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना रहा होगा इट इज़ क्लियर दैट देयर वॉज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपो एलाइंस ऑफ वेरियस कंटोनमेंट्स एंड आफ्टर दी सेवंथ अवध इरेगुलर इेगुलर हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कार्ट्रिज इन अर्ली मे दे रोड टू द फोर्टी एथ नेटिव इन्फेंट्री दैट दे हैड एक्टेड फॉर दैथ एंड अवेटेड द फोटी एट्स ऑर्डर बच्चों जब सातवीं अवध इरेगुलर कैवरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों के इस्तेमाल न इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और तो उन्होंने फोटी एट ने जो नेटिव इन्फेंट्री है उसको लिखा कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए फ़ैसला लिया है कि हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम फोर्टी एथ नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं सिपोइज़ ऑफ देयर एमेजरीज़ मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू एन एंड पीपल वर दस प्लानिंग एंड टॉकिंग अबाउट द रिविलियन सिपाही या उनके जो संदेश भाग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और बस अब जो लोग थे बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में अब डिस्कस कर रहे थे द पैटर्न ऑफ म्यूटनीज एंड द पीज ऑफ एविडेंस दैट सजेस्टेड सम शॉर्ट ऑफ प्लानिंग एंड कॉर्डिनेशन रेस सर्ट क्रूसियल बच्चों जो विद्रोह की बनावट थी और जो साक्ष्य हैं उनको देख लगता है कि इस विद्रोह में इस रिवोल्ट में कोई प्रॉपर प्लानिंग थी या कोऑर्डिनेशन रहा होगा अब ये कैसे बनाई गई होगी प्लानिंग कैसे किया गया होगा किसने बनाया होगा है ना तो ये सब बातें हैं मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर हम इसका सीधा जवाब तो नहीं दे सकते हैं फिर भी एक घटना इस बारे में हमें ज़रूर बतलाती है कि किस तरह से विद्रोह को सुनियोजित किए गए होंगे ये हमको समझना होगा क्या हुआ कि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन से की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था एक कैप्टन uh, हियर से थे कैप्टन से ऑफ़ द अवध मिलिट्री पुलिस हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट्स ड्यूरिंग द म्यूटनी ठीक द फोर्टी एथ नेटिव इन्फेंट्री विच वॉज स्टेशन इन द सेम प्लेस स देड किल्ड ऑल देअर वाइट ऑफिसर्स बच्चों यहाँ पर इन्फेंट्री ने जो फोर्टी एथ इन्फेंट्री थी फोर्टी 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 uh, वन इन्फेंट्री थी वो क्या कहती है कि क्योंकि उसने अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुका है ठीक है इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज है कि वो भी हेयर से को मौत की नींद सुला दे ठीक है द मिलिट्री पोलिस शुड ऑल्सो किल हेयर से और डिलीवर हिम टू हिम एज अ प्रिजनर टू दी फर्स्ट फोर्टी वन या फोर्टी फर्स्ट मिलिट्री जो नेटिव इन्फेंट्री उसको वो सौंप दे ऐसा वो कहते हैं लेकिन मिलिट्री पुलिस ने दोनों ही दलीलें खारिज कर दी कौन सी दलीलें थी बेटा या तो उस आइट ऑफिसर को मार दो या तो हमें दे दो तो दोनों ही उन्होंने उनकी जो दलीलें थी खारिज कर दिया गया अब ये तय किया गया जब उन्होंने दोनों ही उनकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया तो अब उन्होंने तय किया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट से देसी अफसरों की पंचायत बुलाई जाए है ना द मिलिट्री पोलिस रिफ्यूज टू डू आइदर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाय अ पंचायत कंपोज ऑफ नेटिव ऑफिसर्स है ना ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट अब इस तरह से क्या होने लगा कि इनकी पंचायतें बैठने लगी डिस्कस किया जाने लगा होगा तो उस समय के विद्रोह के समय में एक चार्ल्स बॉल नाम के जो हिस्टोरियन थे वो क्या कहते हैं कि ये पंचायतें जो थी रात को कानपुर सिपाही लाइन में जुटती थी और इसका मतलब है कि वहाँ सामूहिक रूप से ज़रूर कुछ ना कुछ फैसले लिए जा रहे होंगे क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे है ना पुलिस लाइन में और सभी की जीवन शैली लगभग एक जैसी होती थी क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे तो इस बात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे ये सिपाही अपने विद्रोह के करता थरता खुद ही थे द सिपाही वर द मेकर ऑफ देयर ऑन रिबेलियन सिपाहियों ने ही खुद इस विद्रोह को फ्रेम किया होगा और खुद ने ही डिसाइड किया होगा कि उन्हें किस तरह से अपोज करना है बच्चों आपने आज कॉजेस को देखा जो एटीन 1857 के रिवोल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल थे आपने देखा कि किस तरह से म्यूटनी को कंडक्ट किया गया किस तरह से सिपाही 10 मई अठारह को दिल्ली विद्रोह करते हैं और 11 मई अठारह की सुबह बहादुर शाह जफर दिल्ली उनसे मिलते हैं और उन्हें अपना इस विद्रोह का लीडर बनाते हैं तो बच्चों आज के इस सेशन में इतना ही हम देखते हैं Thank you very much for watching this video.